मैया जसोदा कृष्ण को ऐसे हाथ पकड़ के यही लाती थी। अच्छा अच्छा दिखाने छोटे बच्चे को जिसे डर पर जाता है हाउ आवेगा बाघ आवेगा। हाउ का मतलब बाघ। माँ यशोदा कुंड आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है। हाँ राधे 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 जय हो। जय हो जय हो। तो ये है हाउ बिलाव। जय हो जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा श्याम की जय। जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे। मित्रों अपने इस ब्रज धाम यात्रा में आज मैं बरसाने में आपको लेके आया हूँ यशोदा कुंड। माँ यशोदा कुंड पर लेके आया हूँ। ये भी कुंड नंद गांव के बिल्कुल बगल में है और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका बाहर से रास्ता दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माँ यशोदा कुंड पे मैं खड़ा हूँ। आइए पहले आपको कुंड के दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक शांति है और आज मौसम भी वैसा औसम हो रहा है। दिल्ली से आते वक्त मन बहुत प्रसन्नचित था। बादल ही बादल थे। दिल्ली में थोड़ी धूप थी लेकिन दिल्ली पार करते ही वहाँ पे बादल ही बादल थे। यात्रा बहुत आनंद में हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर शांत माहौल है। तो आइए मैं आपको यशोदा कुंड के और फिर भीतर राधा गोविंद के विग्रह के दर्शन कराता हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भक्ति मार्ग में जो भी दास को पहली बार सुन रहा है इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दो चकाचक ताकि भक्ति मार्ग पे आप सदा मेरे साथ अपडेट रहे और मन के भाव से तीर्थ धाम की यात्रा करते रहे सदा। माँ यशोदा कुंड पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप देख रहे हैं और आप जैसे देख रहे हैं मेरे सामने यशोदा कुंड है और आप भी देख रहे हैं और सामने बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। इस मंदिर के भीतर भी लेके जाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुंड के दर्शन कराता हूं और यहां कुछ लिखा हुआ है वो भी पढ़ता हूं और आपको पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान से पढ़िए सुनिएगा। माँ यशोदा यहाँ कृष्ण बलराम व सखाओं के साथ स्नान के लिए आती थी इसलिए इस कुंड का नाम यशोदा कुंड रखा गया है। नित्य लीला में तो वह आज भी यहाँ स्नान करते हैं। यशोदा कुंड के पास ही निर्जन स्थल एक प्राचीन गुफा है जहाँ अनेक संतगणों के साधनकार भगवत प्राप्ति की है। हे तीर्थराज आप धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले आपको परिणाम है। आपके प्रति विनम्र प्रार्थना से ही वैकुंठ पद भी प्राप्त हो सकता है। और आप देख सकते हैं हाउ बिलाव स्थली भी एक चीज लिखा हुआ है। हाउ बिलाव यह स्थली कृष्ण बलराम के सखाओं की संकीर्ण स्थान है। वह खेल में इतने तन्मय हो जाते थे कि वह भोजन का भी स्मरण नहीं रहता था। रोहिणी माता उन्हें बुलाने जाती तो उनकी पकड़ ये पकड़ में नहीं आते थे तब यशोदा जी उन्हें बड़ी कठिनता से पकड़ कर लाती थी और भोजन कराती थी। तो देखिए मैं आज उस पावन स्थली पर जो अति प्राचीन है 5,500 वर्ष पुरानी है मैं आपको स्थल पे लेके आया हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुंड है माँ यशोदा कुंड। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अलौकिक शांति बहुत ही सुंदर बहुत ही मनभावन अद्भुत 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 बहुत ही। और जैसे देख रहे हैं आप सूर्य देवता साइड से देख रहे हैं अपनी लाइटें दिखा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन जो मैं महसूस करता हूँ और सच में करता हूँ तभी तो इतना गदगद हो जाता हूँ खुशियों के मारे झूमने लगता हूँ। मन आराम आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है जैसे मेरे भाई पीछे एक ब्रजवासी यशोदा कुंड में गोते लगा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर के भीतर लेकर चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर के भीतर। बहुत ही सुंदर मंदिर बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर। जय हो बहुत ही प्राचीन बाबा राधे राधे। भगवान भोलेनाथ ही विराजमान है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है। हाँ राधे 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 जय हो जय हो। तो देखिए बहुत सुंदर बच्चों राधे राधे महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम उद्धव दास। उद्धव दास जी महाराज जी यहाँ की लीला क्या है जो कि पढ़ के आए हैं कि यहाँ आप बताएंगे अपने मुख वाणी से तो अच्छा लगेगा। यहाँ को लीला नंद बाबा पहले महावन में रहे। अच्छा वहाँ पुतना
अशक्तासुर तीनावर अच्छा यमराजुन वध करके अच्छा के की भाई यहाँ कंस का राक्षस आ रहे हैं अच्छा और यहाँ वध मतलब हमारे लाला को मतलब सुरक्षा नहीं है सुरक्षा नहीं है हाँ। चलो नंदगांव चलो हाँ। वहाँ नंदेश्वर पहाड़ी में हमारे गुरुजी जो भजन कर रहे हैं जी संडिल मुनि जी तो ये पर्वत पे हम रहेंगे और कोई भी राक्षस आवेगा जी वो मतलब पत्थर बन जाता है हाँ। जी हाउ बन जाता है हाउ बन जाता है तो यहाँ मतलब यहाँ से गोचारण लीला हुआ अच्छा और यहाँ से उद्धव गोपी संवाद हुआ अच्छा यहीं से गिरिराज पूजा करवे गए अच्छा और यहीं से अक्रूर गमन हुआ अच्छा अक्रूर जी यहाँ से कृष्ण बलराम लेके गए अच्छा है ना अच्छा नंदगाम की लीला है अच्छा और यही उद्धव गोपी संवाद हुआ यहीं पे हुआ था जय हो यही तो ये मतलब ये नंदेश्वर पहाड़ी में कोई भी आता हुआ ऐसा हाउ बन जाता हाउ बन जाता देखा है कहाँ पे है नहीं देखो चलिए किधर है इस साइड में मैं भी देख दिखाता हूँ और ये माँ बैठी है मैया जसोदा कृष्ण को ऐसे हाथ पकड़ के यहीं लाती थी अच्छा अच्छा दिखाने छोटे बच्चे को जैसे डर पर जाता है हाउ आवेगा बाघ आवेगा हाउ का मतलब बाघ हाउ मतलब बाघ हाँ ऐसी आँख है नाक है अच्छा बाघ मतलब शेर हाँ अच्छा अच्छा पकड़ लेगा अच्छा और सचमुच वही समय कंस का भेजी हुई राक्षस यहाँ आके तो आप ही पत्थर बन गया पत्थर बन गया हाँ बिल्कुल क्या बोली मैया क्या बोली हाँ बाबा का फोटो आ रहा है आपका भी आ रहा है आप भी बाबा बता रहे ना सारी बाबा सारी बातें बता रहे सबका आ रहा है आप सबका आ रहा है ये छोटे से बाबा का भी आ रहा है मैया का भी आ रहा है बच्चों का भी आ रहा है तो बाबा वो दूसरे वाले मंदिर मतलब इसमें तो ये प्राचीन हनुमान है अच्छा वो प्राचीन हनुमान है जब भगवान गैया चरावे लगे हाँ तो सभी देवी देवता आए अच्छा तो हनुमान भी आए अच्छा तो भगवान कहे कि तुम भी एक ग्वाला का भेष बनाओ अच्छा आंख में काजल लगाओ अच्छा और लकुटी धरो अच्छा घंटा बांधो अच्छा जब ही तुम मतलब ग्वालिया बनोगे अच्छा हैं अच्छा तो वो कब से हनुमान है ग्रामवासी कोई नहीं जानते अच्छा कब से पता ही नहीं चला आज तक हनुमान चलिए धन्यवाद बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रोताओं को बताने के लिए तो उनके भी दर्शन करता हूँ हाउ बुलाओ जी यहाँ पे हैं चलिए वहाँ के भी कराता हूँ चलिए धन्यवाद बाबा बहुत बहुत धन्यवाद तो आप जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय हो भक्त और भगवान दोनों बैठे हैं वही वाह जय हो जय हो जय हो चलिए आपको हाउ बुलाओ जी के दर्शन कराएं बहुत ही सुंदर मंदिर है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लोग हैं बहुत ही देखिए बहुत सुंदर मंदिर कितना सुंदर कितना प्यारा ये मित्रों एक ब्रजवासी बच्चे के साथ जाएंगे हाउ बुलाओ देखने चलो जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया इस तरह से मंदिर का एक तरह से परिक्रमा भी हो जाएगी क्या नाम है बच्चे आपका राहुल क्या करते हो पढ़ाई नहीं करते चलो वेरी गुड तो आइए राहुल के साथ चल रहे हैं एक ब्रजवासी बच्चे के साथ हाउ बिलाव देखने तो चलते चलते हाउ बिलाव भी देखिए जिसे कहते हैं हाउ तो शेर आ जाएगा भाई वाह अच्छा ये है इधर हाउ बिलाव तो चप्पल तो पहन के नहीं आया बच्चे में ओए होए तो यहाँ चलना पड़ेगा चलिए कोई बात नहीं तो माँ यहाँ लेके आती थी उन्हें अच्छा तो ये है हाउ बिलाव जिसको यशोदा माँ उन्हें कह के डराती थी बहुत सुंदर अद्भुत सोने के थे ये पर वो दूसरे देश के थे अच्छा सोने के थे पहले ये दूसरे देश के आके चोरी करके ले गए अब इनका ये रूप है चलिए जी बहुत सुंदर अच्छा लगा जय हो और ये शुरू से कुंड यहीं पर ही है जो आप दिखा रहे हैं ये कुंड शुरू से ही है हाँ। बहुत सुंदर जानकारी दी राहुल आपने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर देखिए हाउ बिलाव को जय हो तो मित्रों ब्रजवासी राहुल के साथ हमने दर्शन करे हाउ बिलाव के भी हाउ मतलब बाघ मतलब माँ यशोदा बाघ शेर का उन्हें डर देती थी भला कृष्ण के ऊपर किसी का डर कहाँ चलने वाला है ना बस चलने वाला है ना किसी पे डर चलने वाला है तो मित्रों ये दर्शन कैसे लगे माँ यशोदा कुंड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भक्ति में यात्रा में मेरे साथ मन के भाव से जुड़े रहिएगा और जो भी पहली बार देख रहा है और शेयर कर रहा है जो शेयर कर रहा है उसके लिए धन्यवाद और जो देख रहा है पहली बार अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे और धार्मिक स्थल के दर्शन करते रहे मैं फिर बोलूंगा सनातन धर्म परंथा परम है परम ही रहेगा इसलिए अपने धर्म का प्रचार करो मेरे क्या हर आध्यात्मिक वीडियो सबके शेयर करो धर्म को फैलाओ जन जन तक पहुँचाओ क्योंकि धर्म तो बस एक सनातन है बाकी सब भ्रम है तो चलिए मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रजवास करा दे प्राचीन श्री नंद खिरक गौशाला मार्ग जी हाँ नंदगांव जैसा कि आप लिखा है
यही वो मार्ग है जो सीधा माँ यशोदा कुंड पे जा रहा है, जिसका मैंने आपको आज इस वीडियो में दर्शन कराया। इधर नंदगांव है और इधर बरसाना है, और इसके बीच में ये रोड सीधा माँ यशोदा कुंड जा रहा है, और बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन श्री नंद खिरक गौशाला मार्ग। तो मित्रों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।